आम की कहानी। एक लड़की और एक कव्वे ने पेड़ पर पका हुआ आम देखा। लड़की ने सोचा, क्यों ना इसे तोड़ा जाए। लड़की ने अपने भाई को भी वो पका हुआ आम दिखाया। लड़की के भाई ने आम पर गुलेल से निशाना साधा। कौवा उन्हें ध्यान से देख रहा था। जैसे ही आम टूटा, कव्वे ने उसे अपनी चोंच में लपक लिया। जब दोनों भाई बहन ने देखा कि कौवा अपना आम ले जा रहा है, दोनों उदास हो गए। जैसे ही कौवा आगे बढ़ा, मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। मधुमक्खियां उसको डंक मारने लगी। आम जाकर कौवे के घोंसले में गिर गया। पेड़ पर बैठी गिलहरियों ने आम देखा। एक गिलहरी जाकर घोंसले से आम उठा लाई। इतने में अंडे टूट गए और कौवे के बच्चों ने काव काव का शोर मचाना शुरू कर दिया। गिलहरी के हाथ से आम छूट गया। आम गिरा नीचे। आम कहाँ गिरा? आम गिरा आदमी की पगड़ी में। लड़की ने आम उठाकर खा लिया और उसका भाई अपनी गुलेल का कमाल देखने लगा। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आम की कहानी। एक लड़की और एक कव्वे ने पेड़ पर लगा पका आम देखा। आम देखकर लड़की ने सोचा, इसे तोड़ा जाए। उसने अपने भाई को पका हुआ आम दिखाया। उसके भाई ने आम पर गुलेल से निशाना साधा। कौवा उन्हें ध्यान से देख रहा था। जैसे ही आम टूटा, कौवे ने अपनी चोंच से आम लपक लिया। दोनों भाई बहन कौवे को आम ले जाता देख उदास हो गए। आगे बढ़ते ही कौवा मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। मधुमक्खियां कौवे को डंक मारने लगी। आम कौवे के घोंसले में जा गिरा। पेड़ पर बैठी गिलहरियों ने आम देखा। एक गिलहरी घोंसले से आम उठा लाई। इतने में अंडे टूट गए और कौवे के बच्चों ने काव काव का शोर मचाना शुरू कर दिया। गिलहरी के हाथों से आम छूट गया। आम गिरा नीचे। अरे, ये आम कहाँ गिरा? आम गिरा आदमी की पगड़ी में। लड़की ने आम उठा लिया। उसका भाई खुश होकर अपने गुलेल का कमाल देखने लगा। दिए गए शब्दों के साथ वाक्य पूरे करो। लड़की ने पेड़ पर एक डैश देखा। बताइए बच्चों, लड़की ने पेड़ पर क्या देखा? इसमें से कौन सा उत्तर बराबर है? आम? आम? हाँ, लड़की ने पेड़ पर आम देखा। आम, लड़की ने पेड़ पर एक आम देखा। कौवा बहुत डैश था। कौवा क्या था? इसमें से बताइए मुझे। कौवा चालाक था। कौवा बहुत चालाक था। आम कौवे के डैश में गिरा। आम कहाँ पे गिरा? बताइए इसमें से आम कहाँ पे गिरा? आम गिरा घोंसले में। यहाँ पे घोंसले किधर है? ये है। आम कौवे के घोंसले में गिरा। मधुमक्खियां कौवे को डैश मारने लगी। बताइए बच्चों, मधुमक्खियों ने कौवे को क्या मारा? डंक। मधुमक्खियों ने कौवे को, ये रहा डंक, डंक मारा। मधुमक्खियां कौवे को डंक मारने लगी। एक डैश ने आम को घोंसले से उठा लिया। अब किसने उठा लिया? यहाँ पे बताइए मुझे उत्तर। हाँ, गिलहरी ने।
एक गिलहरी। एक गिलहरी ने आम को घोंसले से उठा लिया। लड़की ने पेड़ पर एक आम देखा। कौवा बहुत चालाक था। आम कौवे के घोंसले में गिरा। मधुमक्खियां कौवे को डंक मारने लगी। एक गिलहरी ने आम को घोंसले से उठा लिया। किसने क्या किया? आम देखा। अब मुझे बताइए, आम किसने देखा? आम देखा लड़की ने और कौवे ने। लड़की और कौवा। आम देखा लड़की ने और कौवे ने। आम तोड़ा। आम किसने तोड़ा? आम तोड़ा भाई ने। आम तोड़ा है भाई ने। आम तोड़ा भाई ने। आम लपका। आम किसने लपका? आम लपका कौवे ने। आम किसने लपका? हाँ, कौवा। कौवा आम लपका कौवे ने। आम उठाया। आम किसने उठाया? आम उठाया है गिलहरी ने। किसने उठाया? हाँ, गिलहरी। आम उठाया गिलहरी ने। आम खाया। आम किसने खाया बच्चों? आम खाया लड़की ने। लड़की ने आम खाया। लड़की ने आम देखा लड़की और कौवे ने। आम देखा है लड़की ने और कौवे ने। आम तोड़ा भाई ने। आम तोड़ा है लड़की के भाई ने। आम लपका कौवे ने। आम लपका है कौवे ने। आम उठाया गिलहरी ने। आम उठाया है गिलहरी ने। आम खाया लड़की ने। आम खाया है लड़की ने। कौन कहाँ था? सही उत्तर मिलाइए। आम। अब बताइए बच्चों, आम कहाँ था? आम था पेड़ पर। आम था पेड़ पर। अब मधुमक्खियां। मधुमक्खियां बताइए कहाँ थी? इसमें से कौन सा जवाब है? मधुमक्खियां थी छत्ते में। मधुमक्खियां छत्ते में। अंडे। अब अंडे कहाँ थे? अंडे थे घोंसले में। घोंसले में अंडे थे। घोंसले में गिलहरियां। अब बताइए गिलहरियां कहाँ थी? पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे? बताइए, गिलहरियां थी पेड़ के ऊपर। गिलहरियां पेड़ के ऊपर थी। आदमी। आदमी कहाँ पर बैठा था? आदमी बैठा था पेड़ के नीचे। आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। आम पेड़ पर था। मधुमक्खियां छत्ते में थी। अंडे घोंसले में थे। गिलहरियां पेड़ के ऊपर थी। आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। पढ़ो, समझो और लिखो। एक वचन अनेक वचन। लड़की लड़कियां। लड़की का अनेक वचन होता है लड़कियां। अब मुझे बताइए गिलहरी। गिलहरी का अनेक वचन क्या है? एक होती है गिलहरी और अनेक होती है गिलहरियां। गिलहरियां।
एक गिलहरी और अनेक गिलहरियां। पगड़ी, अब बताइए पगड़ी का अनेक वचन क्या होता है? पगड़ी, हाँ पगड़िया, पगड़ी। पगड़िया, एक होती है पगड़ी और अनेक पगड़िया। लड़का, लड़के, एक लड़का और अनेक लड़के। अंडा, अब बताइए अंडे का अनेक वचन? एक अंडा और दो अंडे। अंडा, अंडे। छत्ता, अब मुझे छत्ता का अनेक वचन बताइए। इसका अनेक वचन है छत्ते। छत्ता, छत्ते। लड़की, लड़कियां। गिलहरी, गिलहरियां। पगड़ी, पगड़ियां। लड़का, लड़के। अंडा, अंडे। छत्ता, छत्ते। सही शब्द पहचानिए। आम पक्का था या आम पका था? अब इसमें से सही शब्द बताइए। आम पका था, आम पका था। लड़के ने आम तोड़ा या लड़की ने आम तोड़ा? बताइए बच्चों, आम किसने तोड़ा था? आम तोड़ा था लड़के ने। लड़के ने आम तोड़ा। कौवा छत्ते से टकराया या कौवा पेड़ से टकराया? अब कौवा किससे टकराया था बताइए? कौवा टकराया था छत्ते से। कौवा छत्ते से टकराया। अंडों से गिलहरी के बच्चे निकले। अंडों से कौवे के बच्चे निकले। बताइए अंडों से किसके बच्चे निकले थे? अंडों से निकले थे कौवे के बच्चे। अंडों से कौवों के बच्चे निकले। आम कौवे ने खाया या आम लड़की ने खाया? बताइए बच्चों, आम किसने खाया? आम खाया लड़की ने। आम लड़की ने खाया। आम पका था, लड़के ने आम तोड़ा। कौवा छत्ते से टकराया। अंडों से कौवे के बच्चे निकले। आम लड़की ने खाया। सही उत्तर मिलाइए। आम देखा, बताइए बच्चों आम किसने देखा था? आम देखा था लड़के ने। लड़की ने आम देखा था। लड़की ने आम कैसे तोड़ा? आम कैसे तोड़ा था? आम तोड़ा था गुलेल से। गुलेल से आम तोड़ा था। गुलेल से कौवे को डंक मारा। अब बताइए कौवे को डंक किसने मारा था? कौवे को डंक मारा था मधुमक्खियों ने। मधुमक्खियों ने कौवे को डंक मारा। मधुमक्खियों ने घोंसले से आम उठाया। घोंसले से किसने आम उठाया था? घोंसले से आम उठाया था गिलहरी ने। गिलहरी ने घोंसले से आम उठाया। गिलहरी ने आम गिराया। गिलहरी ने कहाँ पर आम गिराया था? आम गिराया था पगड़ी पर। पगड़ी पर गिलहरी ने आम गिराया। पगड़ी पर आम देखा था लड़के ने। आम कैसे तोड़ा था? गुलेल से। कौवे को डंक मारा था मधुमक्खियों ने। घोंसले से आम किसने उठाया था?
गिलहरी ने। गिलहरी ने आम कहाँ गिराया था? पगड़ी पर। कहानी में कौन कौन था बताइए बच्चों, इनमें से कहानी में कौन कौन था? लड़का। क्या कहानी में लड़का था? हाँ, कहानी में लड़का था। गौरैया। क्या गौरैया था? नहीं, कहानी में गौरैया नहीं था। गिलहरी। कहानी में गिलहरी थी ना? हाँ, कहानी में गिलहरी थी। लड़की। क्या लड़की थी? हाँ, कहानी में लड़की थी। कौवा। कौवा बताइए, कौवा था? हाँ, कहानी में कौवा था। बंदर। क्या कहानी में बंदर था? नहीं, कहानी में बंदर नहीं था। आदमी। क्या कहानी में आदमी था? हाँ, कहानी में आदमी था। तोता। बताइए तोता था? तोता इस कहानी में नहीं था। चमगादड़। क्या इस कहानी में चमगादड़ था? नहीं, कहानी में चमगादड़ नहीं था। औरत। अब बताइए क्या औरत थी? नहीं, औरत नहीं थी। बतख। क्या इस कहानी में बतख था? बताइए। हाँ, नहीं था। भालू। क्या इस कहानी में भालू था? नहीं था, इस कहानी में कोई भी भालू नहीं था। कहानी में पहले क्या आया? बच्चों मुझे बताइए, इस कहानी में सबसे पहले क्या आया था? इस कहानी में सबसे पहले आया था लड़की। इस कहानी में सबसे पहले आई थी लड़की। लड़की। लड़की के बाद इस कहानी में क्या आया? कौवा। इस कहानी में लड़की के बाद आया कौवा। कौवे के बाद? कौवे के बाद लड़का आया था। लड़का। अब बताइए लड़के के बाद इस कहानी में क्या आया था? बताइए इसमें से। हाँ, गुलेल। लड़के के बाद आया था गुलेल। अब गुलेल के बाद इस कहानी में क्या आया था? इस कहानी में आया था मधुमक्खियां। मधुमक्खियां। अब बताइए मधुमक्खियों के बाद इस कहानी में क्या था? इस कहानी में थी गिलहरी। 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 गिलहरी के बाद कौवे के बच्चे आए थे। कौवे के बच्चे। अब इस कहानी में आखिर में कौन आया था? आखिर में था एक आदमी। आदमी। इस कहानी में आखिर में था आदमी।